वेलांकनी, ये माँ की नगरी वेलांकनी है। यहाँ के कण कण में बसा है माँ का नाम, यहाँ की फिजा में माँ की भक्ति छिपी है। विभिन्न धर्मावलंबियों का आसरा, वो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था की पुण्य भूमि वेलांकनी। यहाँ के गिरजाघर की खासियत है यीशु के साथ खड़ी वेलांकनी माता। इस तीर्थ स्थल की अनेक घटनाएं प्रचलित है। 16वीं सदी से ये गिरजाघर अनेक विश्वासियों के लिए आस्था के स्तंभ के रूप में उभरा है। चेन्नई शहर से 365 किलोमीटर की दूरी पर नागापट्टनम के तटवर्तीय क्षेत्र में वेलांकनी भारतीय कलीसिया के अमूल्य विश्वास का तेजस्वी प्रतीक बन चुका है। सैकड़ों वर्ष पूर्व मां मरियम ने पुर्तगाली व्यापारियों को समुद्री चक्रवात से बचाकर वेलांकनी के तट पर पहुंचा दिया, और इसीलिए उन्होंने मां के आदर में यहां पर एक छोटे से गिरजाघर का निर्माण किया। सितंबर 8 तारीख उन व्यापारियों ने इस गिरजाघर को मां मरियम को समर्पित किया। फ्रांस देश की लूर्द माता जैसी ही हैं वेलांकनी माँ। इन्हें पूर्व की लूर्द माता भी कहा जाता है। प्रार्थना करने तथा माँ को धन्यवाद देने हर रोज यहाँ लाखों की तादाद में भक्तगण पहुँचते हैं। This shrine is also known as the Lourdes of the East. Every day, thousands of the devotees of Arogya Mata throng to the shrine to seek God's blessings through the powerful intercession of our Blessed Mother, Our Lady of Good Health of Velankani. And this shrine goes back to its oral tradition of history to the 16th century, when our Blessed Mother appeared to a lame boy and a buttermilk boy and the Portuguese sailors. And from then on, the shrine grew, inviting the people of God of all religions to experience in a very special way God's blessings and God's mercy through the loving mother. Today, the shrine has masses in all different languages of India, including Tamil, Telugu, Konkani, Malayalam, English, Hindi. The shrine also arranges confession for the people who come from different states and different parts of India every day
from morning 6:30 to evening 6:30. The shrine basilica avails to the people, to the pilgrims of Arogya Mata, 24-hour adoration chapel where they can sit and pray in silence. Moreover, the shrine also facilitates the pilgrims who come to visit the shrine, the counseling center, who come here having various problems and difficulties in life and gets relief through the counseling and prayer. अब हमारे सामने प्रभु येसु के बपतिस्मा का स्मारक है। बपतिस्मा एक संस्कार है। प्रभु ने कोई भी पाप नहीं किया। फिर सवाल ये उठता है कि प्रभु ने बपतिस्मा क्यों ग्रहण किया? वो इसलिए क्योंकि वे हम में एक होना चाहते थे। पाप को छोड़ वह अन्य सभी बातों में हम में एक बने। बेसिलिका पल्ली के 500 मीटर की दूरी पर है जॉर्डन वाटिका, और इसी के करीब हमें नित्य आराधना भवन भी देखने को मिलता है। हजारों की तादाद में भक्तगण निरंतर प्रार्थना के लिए यहाँ पहुँचते हैं। वेलांकनी माँ की अद्भुत अनुभूति हमें इस पवित्र भूमि से होती है। लाखों लोगों के दिलों में विश्वास का बीज बोने वाली माँ अपने पुत्र के साथ यहाँ के कण कण में हरदम उपस्थित है। वेलांकनी की मन्नतें भी अत्यंत प्रसिद्ध है। अपने जीवन में माँ का अनुग्रह पाए लाखों लोग यहाँ धन्यवाद स्वरूप पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित करने आते हैं। तीर्थयात्री अपनी मनोकामना पूर्ण होने व प्राश्चित स्वरूप तकरीबन 1.5 किलोमीटर गर्म रेत पर घुटने के बल चलते हुए रोजरी या पवित्र क्रूस का रास्ता तय करते हैं। मां मरियम के बेसिलिका के 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटी सी पल्ली है। यहां पर मां का अद्भुत चमत्कारी कुआं स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहीं पर मां मरियम ने एक ब्राह्मण बालक को दर्शन दिए थे।
इस कुएं का जल प्रायः सभी भक्तगण छोटी छोटी कुप्पियों में अपने घर मन्नत स्वरूप ले जाते हैं। भक्तों का विश्वास है कि माँ मरियम अनेक निःसंतान दंपतियों को संतान का अनुग्रह प्रदान करती है। वे यहाँ आकर बच्चों की अभिलाषा में छोटा सा पालना बांधकर प्रार्थना करते हैं। उनका पूरा विश्वास एवं उनकी मन्नतें अनेकों को आशीष प्रदान करती है। इसके नज़दीक ही मॉर्निंग स्टार नामक गिरजाघर भी स्थित है। प्रतिदिन विभिन्न भाषाओं में पवित्र मिसा यहाँ अर्पित की जाती है। Shrine has a full-time priest who celebrates Mass in Hindi every day at 11 a.m. The priest also avails himself for confession for the people who speak Hindi. The shrine has special programs throughout the year, and in a special way the shrine celebrates its annual feast every year from 29th of August to the 8th of September. The annual feast starts with a flag hoisting on 29th and runs every day, the novena, special masses, blessings and car procession. And the feast is on the 8th September, the birthday of the Blessed Mother. The mass, concelebrated mass of the feast will be on the 7th evening by the Most Reverend Dr. Devdas Ambrose, the Bishop of Thanjavur, and the 8th September, the lowering of the flag and the annual feast comes to its end. The shrine also attracts many more people during the holidays, especially the Easter and the Christmas time. The speciality of the Shrine Basilica of Our Lady of Good Health of Yelahankhani is that our Blessed Mother, as a loving and caring mother, invites
all people of all faith to the shrine. People belonging to different religions and denominations visit the shrine and pray to God through the loving intercession of our Blessed Mother of Arogya Mata. विश्वास की डोर में बंधी यहाँ की एक और मन्नत प्रचलित है जो कि सिर मुंडन की है। सिर मुंडन करने के पश्चात तीर्थयात्री सागर में डुबकी लगाने के बाद चंदन या हल्दी का लेप सिर पर लगाते हैं। त्योहार के दिनों में माँ मरियम का डोला उठाकर अनेक श्रद्धालु जुलूस में भाग लेते हैं। माँ मरियम यहाँ पर आरोग्य माता एवं विलांकनी माँ के नाम से भी जानी जाती है। On behalf of the Bishop of Thanjavur and the Rector of the Shrine, I am Father Susai Manikam, the Parish Priest of the Shrine, invite all the viewers to come and visit the Shrine Basilica of Our Lady of Good Health, Velankanni, to receive God's many blessings. Thank you.